प्रातःवंदन। आज हम नवम कक्षाया और दशम कक्षाया व्याकरण विधि पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके अंतर्गत जो व्याकरण है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप बच्चों सब देख रहे हैं, यह है उपसर्ग, यह षष्ठ अध्याय, ठीक है, उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे इनका वाक्यों में प्रयोग होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व, शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या मैंने आपको बताया यहाँ पर कि धातु रूपों और धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते, प्रहाराहार सहार विहार परिहार वर्थ। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, देखिए यहां पर दिया उदाहरण। हार शब्द का अर्थ है माला। क्या है हार शब्द का अर्थ, माला। परंतु जब उसमें क्या लग जाएगा, प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है, कौन सा शब्द बना, प्रहा, ठीक, और उसका अर्थ होता है मारना। इसके पहले हार का अर्थ क्या था, माला, लेकिन उसमें जब प्रा लग गया तो उपसर्ग लग गया प्रा, तो शब्द बन क्या शब्द बना, प्रहार। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर क्या बना, आहार बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सब उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बनता है, संहार, ये शब्द बनता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, नष्ट करना, ठीक है। परंतु इसी शब्द में यदि वी उपसर्ग लगने पर क्या बन गया, विहार। क्या बन गया, विहार शब्द बना, बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। विहार का अर्थ क्या होता है, घूमना फिरना, ये शब्द जब लगा। इसी तरह से परि उपसर्ग जुड़कर क्या बन गया, परिहार शब्द बनता है, तो जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार हमने ये देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में क्या हो रहा है, परिवर्तन आता जाता है और उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इसमें जब शब्द जुड़ता है तो जो जाता है एक वाक्य भी बन जाता है और उसका अर्थ क्या है, बदल जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए उपसर्ग के उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माण, ये आपको उपसर्ग दिए हैं, एकस्य पदस्य वाक प्रयोग, यानी आपको उसका वाक्यों में प्रयोग करना। अब जैसे यहाँ पर पहला दिया है प्रा, तो प्रभति प्रकाश प्रयत्न प्रतिष्ठा, वाक्य गंगा हिमालय प्रभति, ठीक है ना, घास निकलती है, बहती है गंगा हिमालय से। फिर है ऐसी पराग, इसमें भी देखिए शब्द पराजय थे परावृति, सैनिक शत्रुन पराजय थे। फिर है अप, इसके कौन कौन से बने, अपहरती अपकरोती चोरा धनम अपहरती, ठीक। फिर है सम, तो संस करोती संगच्छते अध्यापक छात्र संस करोती, ठीक है। फिर है अनु, अनुगच्छति या अनुकरोति शिष्य गुरु अनुगच्छति, ठीक है। फिर है अव, अवगच्छति या अवतरती, तो क्या आएगा, रामा भवंतम अवगच्छति, है ना, अव जानाति वा। इस प्रकार से आप इनको वाक्यों में क्या होता है, इनका प्रयोग होता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, सैनिक जो है शत्रु पराजित करते हैं, चोर धन को अपहरण कर लेता है, अध्यापक छात्र को संस्कार देते, इस प्रकार से आप इनके वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ और भी दिए हुए, निर्गच्छति निराकर होती, जैसे प्रचार कार्यालय निर्गच्छति, निष्कारण या निस्सरति, सर्प विलाद निस्सरति, ठीक है। फिर है दुष्ट, तो दुष्ट
दुष्प्रयोजनम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्वभाव या दुष्त्याज्य भवति, ये आपको एक जो वाक्य के रूप में आपने बनाया, दुर्बोध्य या दुर्लभ, अयम गुण विषय दुर्बोध्य अस्ति, वी विजयते या विभरति, तो धर्म सदा विजयते, धर्म की सदा जय होती, विजय होती है। आम तो आकंठम आजीवनम, तो आकंठम जलम पिबत, इस प्रकार से आप इनका वाक्यों में भी प्रयोग, जो ये आपको बताएं ये सारे क्या है उपशब्द, इनमें शब्द जुड़ते हैं तो इनका जो अर्थ है वो क्या जाता है, बदल जाता है। चलिए इसी प्रकार निगदति निगुप्तति अधि अधिराजते अधि अधिशेते, जैसे इसमें दिया है नी का, है ना, उत्तर पितरम निगदति, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अति अतिवाद अत्याचार अतिवादो कर्तव्य, सुपुत्रेण सुशोभते, है ना, उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते, सुशोभन्ते क्या है, क्योंकि यहाँ पर सुशोभन्ते दिया है तो यहाँ क्या है, उद्याने उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, उद्यान में पुष्प क्या होते हैं, शोभायमान होते हैं। फिर आता है उड्डयते या उत्पतति, पक्षी है आकाश से उड्डयन्ते, ठीक है ना, जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, आकाश में उड़ते हैं। चलिए इसके बाद है अभी अभी गच्छति या अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वे सदा पूजनीयम्, प्रति प्रत्युपकारम या प्रत्यवदत, पुत्री मात्रम प्रत्यवदत, परि परित्यज्यामि या परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यज्यामि, उपगच्छति या उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थ गुरु उपगच्छति, फिर अपि अपि ददाति, है ना, अपिदधाती या द्वारपाला द्वारा अपिदधाती या अपिदधाती, ठीक है। ये शब्द जब है तो ये मैंने आपको उपसर्ग, उपसर्ग में कौन कौन से इसमें ऐसे शब्द बन सकते हैं, जैसे प्रति में कौन से, परि में क्या लग के बना, उप में क्या, तो ये वाक्य में प्रयोग करने के लिए आ सकते हैं। चलिए अब आता है किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, क्या बताया मैंने, किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन होता है, कैसे, जैसे देखिए गम का अर्थ होता है जान, ठीक है, गम का होता है जान, तो अब इसमें यदि जी आ में आ धन गम बराबर क्या होगा, आगच्छति, पहले आना, गम का गच्छ हो जाता है, ये मैंने धातु जो आपको बताया था जब उसने समझाया था, फिर है तो आगच्छति माने क्या, अब उपमे गम जुड़ा तो क्या हो गया, उपगच्छति है पास गम, अनुधन गम अनुगच्छति यानी पीछे, अवधन गम यानी अवगच्छति समझ। यहां हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तब धातु के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए, जैसे यह है लकार, ठीक है, यह धातु रूप और यह है उपसर्ग। तो सबसे पहला है जैसे लट, तो गम, तो गम में क्या है, लट लकार वर्तमान काल को प्रत्यय है ना, तो गच्छति तीता उति, तो गच्छति तो यहाँ पर आएगा उपसर्ग धन, तो अनु धन गच्छति है ना, तो क्या है अनुगच्छति, इस प्रकार से यह उपसर्ग धन धातु रूप है, लट में गमिष्यति तो अनुगमिष्य, अनु लगा है सबने देखिए उपसर्ग धातु, अब इसी प्रकार यण संधि में तो लोट, इसमें लोट लकार की प्रत्यय क्या है अलग आएंगे, इसमें कौन सा आएगा जैसे तू है ना, तो क्या आएगा अनुगच्छतु, विधि लिंग में अनुगच्छे, इस प्रकार से ये जो शब्द है ये पूरे बन। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब इसमें देखिए दिया है कि अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातुं च पृथक् कृत्वा लिखा, इसमें ये दिया है उपसर्ग, ठीक, ये है धातु और ये है क्रियापद, ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है लिखना है, तो सबसे पहला जो दिया है वो दिया है उतिष्ठतु, क्या दिया है उत्तिष्ठतु, तो उत्तिष्ठतु में क्या आएगा उपसर्ग क्या होगा धातु की,
प्रकार से, अब इसको कैसे, तो इसमें आएगा देखिए हमर उपसर्ग, फिर यहाँ धातु और क्रिया, ठीक है। तो अब इसमें धातु में कौन सी है, तो सबसे पहला इसमें उत उपसर्ग है। आप इसमें कौन सी धातु स्था धातु है, तो क्रिया पद क्या हुआ तिष्ठतु, ठीक। आप निर्गच्छन, तो इसमें कौन सा आएगा निर्धातु गम, जो निर जो है उपसर्ग गम धातु और आगच्छत बनेगा, ठीक है। क्रिया पद क्या है आगच्छत। तो देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है, जैसे मैंने पहले बताया, अभी हमने आपको सब समझाया कि इसमें कौन कौन से धातु के रूप में लाके इसमें वाक्य शब्द बन सकता है ना। तो हमने क्या बोला आपको कि निर, तो निर क्या हुआ उपसर्ग, धातु कौन सी हुई गम, क्रिया पद क्या बना आगच्छत। अब इसी प्रकार अब ये जो तीसरा है निस्सरतु, इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा निस, कौन सा आएगा निस, ठीक है ये दिख रहा। फिर धातु श्रु धातु और क्या बना यहाँ पे क्रिया पद सरतु। इसी प्रकार संवदंती, संवदंती में कौन सी धातु आई, संवदंती में कौन सा उपसर्ग आएगा सम उपसर्ग, कौन सा धातु कौन सी आएगी बद धातु, बद माने क्या होता है बद माने बोलना, ठीक अवद, ये क्रिया पद बना अवद। इसी प्रकार प्रत्यवदत, प्रत्यवदत में कौन सी धातु आएगी यहाँ पर प्रत्यवदत, तो धातु आएगी बद, इसमें भी कौन सी धातु आएगी बद, क्योंकि ये प्रत्य, तो ये धातु आई बद। अब उपसर्ग कौन सा आएगा इसमें, तो आएगा प्रति उपसर्ग, ठीक। और जो शब्द बना वो भी क्या बना अवद। इसी प्रकार से सुशोभते, सुशोभते में उपसर्ग सु और शुभ धातु और शोभा बहे क्रिया पद बनेगा। फिर इसके बाद आता है विशिष्यते, विशिष्यते ठीक है ये शब्द है, तो इसमें वी जो है उपसर्ग धातु और शिष्यते क्रिया पद बनेगा। फिर है अन पकरो है ना, अन पकरो, अब इसमें अन जो है उपसर्ग क्रू धातु और अकरो शब्द बनेगा क्रिया पद जो बनेगी। इसी प्रकार प्रसिदामी, तो इसमें प्रा जो है उपसर्ग सद धातु और सिदामी, ये मैंने आपको उपसर्ग बता रहे हैं और उपसर्ग के साथ मिलकर जो धातु जुड़ती है और जो क्रिया पद है किस प्रकार से रूप बनते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर समझा किस प्रकार ये पद बने, ठीक है ना, जब जो शब्द बने वो किस प्रकार से बने। चलिए आगे इनके उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आप इसी प्रकार दिया है आ अवागच्छत, ठीक है अवागच्छत में इसी प्रकार यहाँ पर आएगा, देखिए आंसर दिए आप जो उपसर्ग इसमें आएगा है ना गम धातु अगच्छत क्रिया पद। फिर है उपविषामा, तो उपसर्ग विष धातु विषामा क्रिया पद बना। फिर है उत्था, उत्थायस्यामः, ठीक है तो उत क्या बना है यहाँ पर इसमें उपसर्ग स्था धातु स्था स्थायस्यामः क्रिया पद। फिर है उन्नयनम, उन्नयनम तो इसमें आएगा उत उपसर्ग नी धातु नयनम शब्द बना क्रिया पद जो बना, क्रिया पद जो भी वो उपनयन हुआ। अपा पूर्वन तो अप उपसर्ग, तो अप उपसर्ग पू धातु और अपूर्वन, ठीक है। विजयते बी उपसर्ग जी धातु धातु और जयते क्रिया पद। परि तुष्यति तो यहाँ पर परि उपसर्ग बना, तुष जो धातु और तुष्यति जो क्रिया पद। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा हुआ। चलिए पोष्टवाक शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थान लिखा था, इसमें आपको जो सही शब्द से हे प्रभु मैं, इसमें कौन सा शब्द इसमें एक आएगा, सबसे पहला आएगा प्रसिद्धतु, क्या आएगा इसमें प्रसिद्धतु, ठीक है। फिर है गुरु शिष्यस्य अज्ञानम उपहर्ति या इसमें आएगा अपहर्ति, तो क्या जाएगा इसमें अपहर्ति, ठीक है ना इस प्रकार से। फिर है वानरा जनान खानिस्था अनुपूर्वंती आएगा कि अनुपूर्वती आएगा, इसमें क्या आएगा अनुपूर्वंती, क्या जाएगा इसमें अनुपूर्वंती।
संस्कृतम, तो अब इसमें देखिए दो शब्द दिए हैं, अवजानामि या अवाजानामि, तो इसमें क्या जाएगा अवजानामि, क्या जाएगा यहाँ पर अवजानामि, ठीक है। फिर यहाँ पे खालिस्तान सत्यम एव वदनीयम, इसमें क्या आएगा आजीवनम, इसमें शब्द दिया है आजीवनम, या एक और शब्द दिया है आजीवनम, तो इसमें आएगा आजीवनम। अध्यापक प्रश्नान पृच्छति छात्रा, तो प्रति वदन्ति या सम वदन्ति, तो क्या आ जाएगा इसमें प्रति वदन्ति, ठीक है। कामात क्रोधः फरा भवति या उद्भवति, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, एक तो इसमें उद्भवति आएगा प्रति वदन्ति या उद्भवति, क्या दिया है इसमें फरा भवति या उद्भवति, तो कामात क्रोधात, कामात क्रोधात उद्भवति, क्या आएगा यहाँ पर उद्भवति। सभायां विद्वांस एव, इस प्रकार से कामात क्रोधा तो उद्भवति, फिर सभायां विद्वांस एव, तो क्या आएगा सुशोभन्ते आएगा इसमें कि इसमें सुशोभन्ति, तो सुशोभन्ते, ठीक है। चोरः रात्रौ धनं व्यवहरत् कि अर्हत्, क्या होता है इसमें आएगा, तो आएगा अर्हत्, ठीक है। फिर माता पुत्र च परस्परं प्रति वदन्तः या संवदतः, क्या आएगा इसमें आ जाएगा कि माता पुत्र च परस्परं संवदतः। गुरु आश्रमात् प्रविशति या निर्गच्छति, तो क्या आ जाएगा निर्गच्छति। नागरिकः एव स्वदेशं खालिस्तान उदयन्ति या उन्नयन्ति, क्या आएगा, तो इसमें आएगा उन्नयन्ति। वयं चलचित्रं दृष्टं अत्र खालिस्तान अवगच्छामः या आगच्छामः, क्या इसमें आएगा, तो अवागच्छामः या आगच्छामः, इसमें आएगा आगच्छामः। माता पुत्रं संस्कार करोति या सम करोति, तो क्या आएगा इसमें संस्कार करोति, संस्कार देती है, ठीक है। चलिए आप देखिए इसी के आंसर जो है वो दिए हुए, प्रसिद्ध अपगति अनुकुर्वंती अवजानामि आजीवनम प्रतिवदन्ति उद्भवति सुशोभन्ते अर्हत् संवदतः निर्गच्छति उन्नयति, ये सब आपके इसमें आंसर इसके दिए हुए। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर उपसर्ग और किस प्रकार उपसर्ग किसको कहते हैं और उपसर्ग शब्दों के कहाँ लगाए जाते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, उनके कुछ उदाहरण प्रश्नोत्तर मैंने आपको पढ़ाया। अब आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी करते चलिए। धन्यवाद।